आज हम मल्टीपल एलील्स के चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जब किसी भी जीन के तीन या उससे अधिक प्रकार क्रोमोसोम के सेम लोकस यानी सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो उनको मल्टीपल एलील्स कहा जाता है। इनके फाइव मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा क्रोमोसोम के सेम पोजीशन या सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है कि इनमें आपस में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। थर्ड है कि इनमें जो एलील्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो वाइल्ड टाइप है वो हमेशा डोमिनेंट होता है म्यूटेंट टाइप के ऊपर। फोर्थ है कि ये हमेशा सेम ट्रेट पे इफ़ेक्ट करते हैं यानी सेम फिनोटाइप को इफ़ेक्ट करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है, अगर जो म्यूटेंट एलील्स हैं उनके पेरेंट्स में जब मेटिंग होगी तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा म्यूटेंट फिनोटाइप के होंगे, वो कभी भी वाइल्ड फिनोटाइप के नहीं होंगे। नेक्स्ट इसमें हम समझते हैं कि ये जो मल्टीपल एलील्स हैं ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि अगर डीएनए के नॉर्मल बेस सीक्वेंस में चेंज होगा तो उसको म्यूटेशन कहेंगे और इसके कारण डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म बन जाते हैं ओरिजिनल जीन के, जिनको हम एलील्स या मल्टीपल एलील्स भी कह सकते हैं। जब हमारे डिप्लॉयड इंडिविजुअल जिसमें टू ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं उसमें दो जीन होते हैं प्रत्येक लोकस पे, यानी हर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन प्रेजेंट होगा, तो वो सिमिलर भी हो सकता है जैसे कि कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, या फिर वो डिससिमिलर भी हो सकता है जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए। अगर इन दोनों ही जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो तीन या उससे ज़्यादा प्रकार के जो जीन हैं वो एक लोकस पे प्रेजेंट हो जाते हैं, इनको हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कोट कलर इन रैबिट, दूसरा है आई कलर इन ड्रोसोफिला और तीसरा है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। सबसे पहले कोट कलर इन रैबिट्स में, रैबिट में चार तरह के रैबिट्स मिलते हैं जिनके चार प्रकार के कोट कलर हैं। सबसे पहला है अगोटी कलर का यानी ग्रे कलर का कोट, ये डोमिनेंट जीन होता है यानी वाइल्ड टाइप जीन है और इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। दूसरा चिंचिला टाइप जिसको कि स्मॉल सी और ऊपर सी एच से डिनोट करते हैं, ये सिल्वर ग्रे कलर का इसका फर होता है। तीसरा है हिमालयन टाइप, इसको स्मॉल सी और ऊपर एच से डिनोट करते हैं, इसका ये वाइट कलर का रैबिट होता है और वाइट फर के एक्सट्रीम पे ब्लैक स्पॉट होता है। और फोर्थ है एल्बिनो रैबिट जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ये वाइट कलर का कोट होता है इसका और इसकी रेड आइज़ होती हैं। इस जो हमारे ये सारे मल्टीपल एलील्स हैं इनका ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस होता है, सबसे पहले अगोटी कलर का कोट, सेकंड चिंचिला वाला टाइप जिसमें सिल्वर ग्रे कलर का कोट होता है, थर्ड है हमारा हिमालयन टाइप जिसमें कि वाइट रैबिट होता है विद ब्लैक एक्सट्रीमिटीज़, और फोर्थ है हमारा एल्बिनो रैबिट्स। इनके क्रॉस को आप F1 और F2 जनरेशन में आप इस तरह से शो कर सकते हैं और हमेशा जो डोमिनेंट टाइप होगा अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा, और अगर दो म्यूटेंट टाइप में क्रॉस होगा तो उनमें भी जो डोमिनेंट टाइप होगा वो प्रेजेंट है तो वही एक्सप्रेस होगा। सिमिलरली जो कैटल होते हैं उनका कोट कलर, और एक बर्ड है मलार्ड, वो उसका जो प्लम्बेज कलर है, प्लम्बेज यानी फेदर का जो कलर है वो भी मल्टीपल एलील शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई कलर इन ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला है उसमें जो रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है सभी आई कलर्स में, और जो वाइट कलर है आई का वो रिसेसिव है सभी आई कलर्स में। और जो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है आई कलर का वो इस प्रकार है, सबसे पहले रेड जो W+ से शो होता है, दूसरा कोरल जो स्मॉल WCO से शो होता है, फिर ब्लड, फिर ईओसिन, फिर चेरी, फिर एप्रिकॉट, फिर हनी, फिर बव्ड, फिर टिंग, फिर पीच, फिर आइवरी और फिर वाइट। तो इतने सारे आई कलर हैं ड्रोसोफिला के और ये इस तरह से डोमिनेंस का जो पैटर्न है उसको शो करते हैं। तो ये सारे मल्टीपल एलील से गवर्न होते हैं जो कि हम इसके जीनोटाइप से जैसे स्मॉल WCO से कोरल, स्मॉल WBL से ब्लड इस तरह से शो करते हैं, और इसमें डोमिनेंट टाइप जो वाइल्ड जीनोटाइप है वो है W+ जो कि रेड कलर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिसेसिव जो है वो कलर है वाइट कलर और वो W से हम शो करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको कोडोमिनेंस के में भी बताया था, जो इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शंस जब मैंने डिस्कस किया था तब मैंने आपको कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में भी इसका एग्जाम्पल दिया था। सबसे पहले तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको लैंडस्टीनर ने 1901 में समझाया था। उसके बाद इसमें जो समझना है वो ये है कि जो एंटीजेंस हैं जो कि प्रोटीन हैं और लोकेटेड हैं आरबीसी की सरफेस पे, वो कोड होते हैं या एनकोड होते हैं सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील्स से। और ये जो मल्टीपल एलील्स हैं इनके जो जीन हैं वो जो प्रोटीन कोड करते हैं वो जो जीन है जो कि प्रोटीन कोड करता है वो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एलील, जैसे कि अगर एंटीजन ए है तो आई ए लिख देंगे, अगर बी है तो आई बी लिख देंगे। तो जीन कौन सा है आई, उसके एलील टाइप्स क्या हैं आई ए फॉर ए, आई बी फॉर बी। और अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं इंडिविजुअल में तो हम आई ए और आई बी से डिनोट करते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस कुछ नहीं होता है। और ये जो मल्टीपल एलील्स हैं ये को डोमिनेंस शो करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस में, तो ये हमारा इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शन में भी को डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। अब इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो जीनोटाइप आई ओ और आई ओ होगा, उसमें एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा और एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो जीनोटाइप आई ए और आई बी होगा, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी निल प्रेजेंट होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अगर हमारा जीनोटाइप आई ए और आई ओ हो या फिर आई ए और आई ए हो, और इसका एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। और हमेशा जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो वो एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप आई बी और आई ओ या फिर आई बी और आई बी हो सकता है, उसका एंटीजन वो बी प्रोड्यूस करेगा और उसका एंटीबॉडी क्या होगा ए होगा। अब इसके साथ ही हमारा जो मल्टीपल एलील्स है उसका चैप्टर एंड हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं हर्शे एंड चेज़ का एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूँगी। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ करते चलिए साथ में और अपने नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप जब नोट्स पढ़ेंगे तभी आप इजीली उसको कम समय में रिवाइज़ कर पाएंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रहे हों और टॉपिक्स समझ में आ रहे हों और वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई वीडियो का डिमांड किया है, आपको कोई टॉपिक समझना है, तो आप जब मैं वो टॉपिक को अपलोड करूँगी वीडियो में तो आप उसको ईजीली एक्सेस कर पाएंगे।